तो दोस्तों, आप लोगों को बहुत सारे अलग अलग वीडियो से पता चला होगा कि आप इस ऐप से अर्निंग कर सकते हो, उस ऐप से अर्निंग कर सकते हो, आप ऐसे करके अर्निंग कर सकते हो, आप उसको रेफर करके अर्निंग कर सकते हो। लेकिन गाइज, इस वीडियो में एक ऐसी चीज आपको बताने वाला हूँ जो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है आपके लिए। आपको आज से पहले मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ये बिजनेस मॉडल किसी ने भी नहीं बताया होगा जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। अर्न फ्रॉम ऐप, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम एप्स, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम मोबाइल अप्लीकेशन, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम मोबाइल फोन। और गाइज, सच सच बता दूं तो ये एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग अमेजिंग वीडियो होने वाली है आपके लिए, अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन से अर्निंग करना चाहते हो। गाइज, बेसिकली बता दूं, यहां कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन के मैं बारे में नहीं बताने वाला हूं, मैं बस आपको ये बताने वाला हूं कि मोबाइल एप्लीकेशन का बिजनेस कैसे काम करता है और ये कितना ज्यादा ईजी है। आप बस मिनटों में इस बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं अपना दिमाग लगा के। बस आपको आज मैं पूरा एक मॉडल दे दूंगा मोबाइल एप्लीकेशन बिजनेस का, जो आप अप्लाई करके काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूं, अगर आप इस चैनल में नए हो तो हम यहाँ डेली नई नई वीडियोस लेके आते हैं कि आप कैसे ऑनलाइन में अर्निंग कर सकते हो, अपने फाइनेंशियल कंडीशन से एक बहुत ही ज्यादा बड़ा और अच्छा खासा लाइफ पा सकते हो, अपने लाइफ में फ्रीडम पा सकते हो। और यहाँ डेली आपको न्यू वीडियोस मिलती हैं ऑनलाइन से अर्निंग के बारे में और ऑल्सो बिजनेस और बिजनेस मॉडल्स के बारे में। तो प्लीज, अगर आप नए हो तो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। नीचे आपको एक दिख रहा होगा रेड कलर का बटन, तोड़ दो, फोड़ दो, उसको दबा डालो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक किए बिना जाना नहीं, क्योंकि एक लाइक आपका मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों, एज यूजुअल हम आ गए अपने बोर्ड पे जहां मैं आपको सारी चीजें समझाने वाला हूँ। दोस्तों, आज से पहले आप लोगों को काफी लोगों ने कहा होगा कि ये मोबाइल, ये एप्लीकेशन डाउनलोड करो, ये मोबाइल में ये एप्लीकेशन रखो और आप इससे इतना अर्न कर सकते हो, उससे इतना अर्न कर सकते हो। लेकिन गाइस, यहां मैं आपको सीधा एक बिजनेस मॉडल दे देता हूँ, मोबाइल एप्लीकेशन से आप कैसे अर्न कर सकते हो। अर्न फ्रॉम मोबाइल एप्लीकेशन, अनलिमिटेड मनी गाइस, अनलिमिटेड। आपको क्या लगता है, जो मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हैं और आपको बोलते हैं डाउनलोड कर लो, क्या वो कम पैसे कमाते होंगे? नहीं, वो गाइज लाखों रुपए कमाते हैं, लाखों रुपए, और वो डेली के लाखों रुपए अर्निंग करते हैं गाइज, डेली के लाखों रुपए, बिलीव मी। उनका जो अर्निंग का पोटेंशियल है वो काफी ज्यादा है, वो आप भी आज हासिल कर सकते हो, जो चीज मैं आपको आज यहाँ बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, सब दोस्तों फैक्ट पे बात करूंगा, फालतू की बातें नहीं करूंगा और फालतू के ख्वाब नहीं दिखाऊंगा, सीधा प्रैक्टिकल बात करेंगे हम लोग कि हम कैसे इस पे अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं, आपको कम से कम आपके जेब में 2000 रुपए होने चाहिए बेसिकली इस बिजनेस को खड़ा करने के लिए, मिनिमम टू मिनिमम, ठीक है गाइस। यहाँ आपको कुछ भी चीजों का एक्सपर्ट रहना जरूरी नहीं है, आपको मोबाइल ऐप बनाने नहीं आना चाहिए, आपको एडमॉब नहीं आता है, कोई बात नहीं, आपको इसमें से कोई भी चीज नहीं आती है तब भी आप इस बिजनेस को खड़ा कर लेंगे। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोगों को पता होगा कि अगर उनको ऐप बनाना है या उनको वहां ऐड लगाना है तो उनको ऐड मॉक होना चाहिए उनके पास, तो उनको ऐप बनाने की नॉलेज होनी चाहिए। नहीं, आपको कोई भी चीज की नॉलेज की जरूरत नहीं है, बेसिकली आपको बस ये करना है, सबसे पहले आपको एक डेवलपर ढूंढना है। डेवलपर मतलब कोडिंग डेवलपर नहीं, आजकल हर बच्चा बच्चा डेवलपर है, आपको लाखों ऐसे चैनल मिल जाएंगे ऑनलाइन पे जो आपको फ्री में या थोड़े पैसे लेके ऐप बना के दे देंगे, क्योंकि वो अपना प्रमोशन कराते हैं, ठीक है। ये एक तरीका हो गया कि आप ढूंढ सकते हो यहां पर, मतलब YouTube पे, ठीक है। दूसरा तरीका, आप Facebook ग्रुप में जाओ, वहां लिखो ऐप ऐप, बस ऐप अर्निंग लिखो और ऐप ग्रुप लिखो, या तो ऐप अर्निंग लिखो या ऐप ग्रुप लिखो, जो लिखना है वो लिखो, ठीक है। जैसी आप लिखोगे ऐप अर्निंग, ऐप अर्निंग अर्निंग्स या ऐप ग्रुप, ठीक है, तो आपको बहुत सारे ग्रुप्स वहां मिल जाएंगे। जैसे ही आप लिखोगे ये चीज, आपको वहां बहुत सारे ग्रुप मिल जाएंगे, ठीक है। फिर आपको उसमें करना है क्या, आपको करना ये है कि वहां जाके एक पोस्ट डालना है कि मुझे एक ऐप बनवाना है जिससे आपको ये फीचर चाहिए। क्या क्या फीचर चाहिए वो मैं आपको आगे अभी बताता हूँ, ठीक है। तो हमें इसको कर देते हैं डिलीट, तो यहां से मैं इसको डिलीट मिटा देता हूं, डिलीट कर देता हूं, और अब मैं आगे की बात करता हूं। अब आपको आपका डेवलपर मिल गया, ये रहा आपका डेवलपर, ये रहा आपका ऐप, ठीक है। ज्यादातर डेवलपर आपको किसी बच्चे बच्चे को पकड़ लेना, आप बहुत अच्छे अच्छे ऐप बना देते हैं गाइज। आजकल मैं पहले ये सब करता था, तो मैं पहले की जो अपनी ट्रिक्स है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है।
नहीं भी तो 300 200 400 रुपए में वो ऐप बना देते हैं, ठीक है, कम से कम में आप बनवा सकते हो, मैं बता रहा हूँ आपको, गारंटी दे रहा हूँ, बस थोड़ा सा रिसर्च करना मिल जाएगा। अब गाइस देखो, ऐप वो क्या ऐप बनाते हैं कि शायरी पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, और गाइस इसमें ही वो नहीं भी तो $500 मंथली अर्निंग कर लेते हैं। $500 अगर आप इंडियन रुपीज में लेते हो तो अगर मैं 6 के हिसाब से भी लूँ तो 30,000 रुपये बनते हैं, 30K रुपीज। लेकिन गाइस मैं ये छोटा मोटे अमाउंट की बात नहीं करूंगा, मैं अगर आपको ये चीज़ बताने आया हूँ तो मैं आपको पूरा बिजनेस बताऊंगा कि इस पर आप पूरा एक बड़ा बिजनेस कैसे खड़ा कर सकते हैं। गाइस पहले बता दूँ, मैं जो आइडिया आपको देने वाला हूँ उसको आप कॉपी मत करना, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे लोग इसको कॉपी कर लेंगे या ये आइडिया फ्लॉप हो जाएगा अगर बहुत सारे लोग इसको कॉपी कर लेंगे तो, ठीक है, लेकिन अगर एक दो लोग इसको करेंगे तो उनके काम का रहेगा। और गाइस प्लीज नीचे लाइक करके एक कमेंट जरूर देना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको इस ऐप को कैसे बनवाना है, गाइस आपको दो चीज ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज कि आपको जो भी ये ऐप डाउनलोड करता है तो उनके लिए कोई स्कीम निकालो, ठीक है, जैसे कि वो आता है ना कि उसको घिसते हैं तो उसमें कुछ पैसा मिलता है, स्क्रैच एंड विन, स्क्रैच एंड विन, तो ऐसे करके 10-10 रुपए के टोकन के स्क्रैच निकालो, ठीक है। अब इससे क्या होगा, ठीक है, इससे आपने सुना है कि मुंह से मुंह बात फैल जाती है, ठीक है, ये एक बिजनेस का बहुत ही बड़ा फॉर्मूला है गाइस, ठीक है, माउथ शॉट, ठीक है, कैसा साइट था वो सिर्फ मुंह से मुंह फैल गया कि इसमें लिखने के पैसे मिलते हैं, लिखने के पैसे मिलते हैं, और पूरा हल्ला हो गया, ठीक है, चैम्प कैश ऐसे ही था, ठीक है, और इसके पीछे बहुत सारे ऐप आए जो ऐसे ही थे। तो आपको इसमें क्या करना है, बस आपको 10, 20, 30, 40 रुपए का एक इनाम, एक स्क्रैच रखना है, ठीक है। अब जब भी वो बंदा जो ऐप डाउनलोड करेगा तो वो स्क्रैच करेगा, ठीक है, 3 में से 1 निकलेगा, ठीक है, और अगर आप उसको 10 रुपये 5 रुपये भी देते हो तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, और उसको ऐसा फंसाओ कि आपको हर दिन एक स्क्रैच कार्ड मिलेगा, ठीक है। आप देखो अगर उसको 7 दिन स्क्रैच कार्ड देते हो तो उसमें से आप 2 या 3 दिन उसको 10 रुपये दे देते हो तो कुछ भी नहीं जाता, और आपका क्या आ रहा है, आपका बहुत पैसा आ रहा है, आपका डेली का आप जितने ऐड उसके मोबाइल में दिखा रहे हो आपको डेली का पैसा मिल रहा है। जितने भी ऐड आप डेली दिखा रहे हो उसको, 7 दिन ऐड दिखाया आपने, हर दिन का आपको मान लो उस एक बंदे से नहीं भी तो गिरे गिरे से रेवेन्यू 30 रुपये आता है, गिरे कंडीशन में बता रहा हूँ। आप अच्छे से ऐप लगाओगे, अच्छे जगह ऐड लगाओगे तो आपको काफी अच्छा अर्निंग होगा, ठीक है, गिरे से गिरे 30, तो अब 7 में तो 35, 350 रुपये मिल रहा है। अगर उसको आप 50 रुपये भी दे देते हो तो कुछ नहीं जाता, ये हफ्ते की अर्निंग में बता रहा हूँ एक बंदे से, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो इसका प्रमोशन भी करा लो लोगों से, प्रमोशन मतलब मेरे यूट्यूबर से या आप इंस्टाग्राम वालों से या फेसबुक पेज वालों से प्रमोशन करा लो, तो अगर आपको 10,000 भी डाउनलोड मिल जाता है तो आप लाखों में मंथली अर्निंग करोगे। सबसे पहला फॉर्मूला ये। अब मैं दूसरा फॉर्मूला आपको बताता हूँ जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, तो इसको कर देते हैं डिलीट, क्लियर पेज, अब पेज को मैं कर दिया हूँ क्लियर। अब ये अपना स्टार्ट होता है दूसरा फॉर्मूला। तो दोस्तों दूसरा फॉर्मूला क्या है गाइस, देखो उसी ऐप का दूसरा फॉर्मूला बताता हूँ। ये तो आप स्क्रैच कार्ड खेल लोगे डेली, ठीक है, आप बहुत सर्च करना, लाखों तरह के ऐप आपको मिल जाएंगे ऑन प्ले स्टोर। लेकिन गाइस अगर एक चीज मैं बताऊं, अगर आप उस ऐप में एक बिजनेस मॉडल डाल देते हो, जैसे कि हम थोड़े दिन पहले बात कर रहे थे डील्स एंड ऑफर ग्रुप की, डील्स ऑफर एंड डिस्काउंट ग्रुप की, तो लोग क्या करें, यूजुअली वो टेलीग्राम को यूज करते हैं, सेकंड वो यूज करते हैं फेसबुक को, फेसबुक ग्रुप को, ठीक है, थर्ड वो यूज करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप को। लेकिन अगर हम एप्स का यूज करते हैं उन डिस्काउंट्स को देने में, तो ये नेक्स्ट लेवल की बात आती है। कौन से लेवल की, नेक्स्ट लेवल की। यहां तक आई थिंक अगर मान लो आपको कंपटीशन मिला भी तो मिला 1% मिलेगा, ठीक है, लेकिन आपका जो पहला तरीका है वो उन 1% को मात दे देगा, ठीक है, मात दे देगा। तो अब ये मैं दो चीज क्यों बता रहा हूँ आपको, ये दो चीज एक ऐप में यूज करने के लिए क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वो आपके ऐप में एक्टिव रहे बंदा। अगर मैं आपके ऐप को डाउनलोड करता हूँ तो मैं आपके ऐप में क्यों एक्टिव रहूंगा, क्योंकि मुझे डेली के स्क्रैच कार्ड मिल रहे हैं सबसे पहला, और दूसरा क्यों, क्योंकि मुझे वहाँ आपके ऐप में डेली के डील्स एंड ऑफर्स मिल रहे हैं, अमेजोन के, नेटफ्लिक्स, अमेजोन या
फ्लिपकार्ट पेटीएम डेली के मुझे ऑफर मिल रहे हैं, मैं उनसे रिचार्ज करवा रहा हूँ, मैं शॉपिंग कर रहा हूँ, तो मुझे वहां से भी फायदा हो रहा है। और दूसरा आपका स्क्रैच कार्ड मैं जीत रहा हूँ डेली डेली, कभी 10 रुपए, कभी 20 रुपए, कभी 30 रुपए। तो दोस्तों ये बस इतना सा गेम खेलने से आपका एक बंदा एक्टिव रह के आपको महीने के नहीं भी तो 20-30 हजार रुपए आराम से दे सकता है, सिर्फ एक बंदा। अब और कंडीशन गिरा देते हैं ना यार, क्योंकि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अरे यार 10-20 हजार रुपए, अरे हवा में बात कर रहा है, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। जो एडमॉब एडमॉब में काम करते हैं उनसे पूछना वो कैसे एड्स लगाते हैं, भर डालते हैं पेजेस को एड लगा 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 के। लेकिन चलो और मैं गिरे से गिरे कंडीशन में लेके आता हूँ, 5 हजार एक बंदा आपको दे रहा है, ठीक है, मंथली। आप इन दोनों चीजों से अच्छे ऑफर्स दोगे, अच्छे स्क्रैच कार्ड्स दोगे, आप बंदे को लाइफ टाइम टिका के रख सकते हो। अगर एक बंदा आपको 5K भी देता है तो 10-15 बंदे भी आपको डाउनलोड कर लेते हैं मंथली, तो आप कितना अच्छा रहेगा, अगर रखे रहते हैं तो कितना अच्छा रहेगा, आप कितने पैसे अर्न कर लोगे। अब सोचो ये जो चीज है, मैं और कम लेके जाता हूँ और आपको चीज बताता हूँ। आप जब लोगों से स्पॉन्सरशिप करवाओगे, ठीक है, किसी भी यूट्यूबर से, किसी भी इन्फ्लुएंसर से, नहीं भी तो आपको गिरी से गिरी कंडीशन में 10 हजार डाउनलोड तो मिल ही जाएगा, ठीक है। 1000, 2000, 4000, 5000 रुपए खर्च करोगे तो आपको 10 हजार डाउनलोड मिल जाएगा। अगर इस 10 हजार में से, ठीक है, इस 10 हजार में से अगर 1000 बंदे भी, मतलब 1000 बंदे भी अगर ऑन रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, 1000 बंदे भी एक्टिव रहते हैं और एक बंदे से आपको 5000 रुपए मिलता है, तो अब आप खुद ही डिसाइड कर लो आप मंथली कितना रुपए अर्न करने वाले। गाइज मंथली आप लाखों अर्निंग करने वाले। और गाइज बिलीव मी, यही सब चीजें हैं जो ऑनलाइन को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाती हैं। थोड़ा सा सोचना पड़ता है, ठीक है, और थोड़ा सा ऐसे सोच के क्रिएटिव चीजों को बनाना पड़ता है, तब जाके आपको अर्निंग होती है ऑनलाइन, ठीक है। यही सारी चीजें मैं इस चैनल पे सिखा रहा हूँ, तो इसीलिए बोल रहा हूँ अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाओ, वीडियो को लाइक करो, तो मैं आपके लिए ऐसे और बड़े बड़े आइडियाज लेके आऊँ, ठीक है। अब मान लो आप देते हो उस ऐप बनाने वाले को, अब बात कर लेते हैं अपना खर्चा कितना बैठा, ठीक है। तो बनाने वाले को मान लो, अब चलो मैक्सिमम लेके चलते हैं 500 रुपए दे दिया बनाने वाले को, ठीक है, 500 रुपए दे दिए, 500 रुपए आप दिए हो बनाने वाले को, ठीक है। गाइज इतनी सारी टिप्स एंड ट्रिक भरी पड़ी है यूट्यूब में कि मैं आपको बता नहीं सकता कि आप एडमॉब से एड कैसे बना सकते हो। टेम्प्रोरी बेसिस पे चीज़ों को हैक कर करके बच्चे और अच्छे अच्छे लोग जो ऐप डेवलपर हैं वो ऐप बना रहे हैं, 15-15, 14-14 साल के बच्चे, तो आप भी आराम से उनसे काम निकलवा सकते हो, ठीक है। उनको 500 रुपये उनके लिए बहुत है, ठीक है, क्योंकि उन्हें पैसे का उतना फर्क नहीं पड़ता, वो टैलेंटेड हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, उनको 500-600 रुपए में काम बना के आपको दे देंगे, ठीक है। तो आप मान लो 500 रुपए में बनवा लेते हो, आप मान लो 2000 रुपए में प्रमोशन करा लेते हो अपने ऐप का, 2000 रुपए, ठीक है, मतलब मैं एक अच्छा अमाउंट लेके चल रहा हूँ। आप इसमें 300 रुपए में भी बना सकते हो, आप 1000 में भी प्रमोशन करा सकते हो, लेकिन मैं एक अच्छा अमाउंट लेके चल रहा हूँ, ठीक है, 500, 2000। और अब मान लो आपका बजट 2000 रुपए और ले लो, ठीक है, अब मैं थोड़ा बजट बढ़ा दिया, 2000 रुपए और ले लो, 2000 रुपए मतलब वो जो आप स्क्रैच कार्ड और बांटोगे एक महीने तक, ठीक है, या अगर आपका बहुत सारा डाउनलोड आया तो हो सकता है पैसा बढ़ जाएगा, लेकिन आप बढ़ा लेना क्योंकि एक बहुत बड़ा बिजनेस बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। गूगल एड्स काफी अच्छा पैसा देते हैं, एडमॉब एड्स, गूगल एड्स, मोबाइल एड्स बहुत ज्यादा पैसा देते हैं। और जो आप ये डील्स दोगे ना, तो जैसे कि आप डील्स दोगे तो डील्स में तो आप दूसरे की लिंक दोगे नहीं, है ना, जितने भी एफिलिएट डील्स दोगे तो आप उसमें एफिलिएट मार्केटिंग भी कर रहे हो। तो आप अगर बंदा 10 रुपए का सामान खरीदता है आपके लिंक से तो उसमें 2 रुपए तो आपको भी मिल रहा है, तो वो आपको सामान भी खरीद रहा है तो भी आपका फायदा है, ठीक है। तो आपका पैसा कहीं नहीं जा रहा है, भले आप उन्हीं का पैसा उन्हीं को रिटर्न दे रहे हो, ठीक है, और आप उन्हीं के पैसे से अर्न कर रहे हो। तो इसी को बोलते हैं बिजनेस गेम, ठीक है, ये पूरा घूमते हुए आपके तरफ ही चल रहा है। मान लो आपने 5000 रुपए लगाया और एक बार 5000 से ये बिजनेस स्टार्ट किया तो ये बिजनेस आपको कहाँ ले जाएगा, ठीक है। अब एक तरीके से और आपको समझा देता हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आया तो, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इजी। आपको एक ऐप बनवानी है, ऐप में आपको स्क्रैच कार्ड देना है, ठीक है, स्क्रैच कार्ड के बाद आपको डील्स एंड डिस्काउंट ऑफर्स देने हैं और अपना पैसा लेना है, पैसा पैसा, ठीक है। यहाँ आपने 5000 रुपए खर्च किए,
5,000 रुपए खर्च किए, या बंदे को 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए आप मंथली सॉरी वीकली दे रहे हैं, 10 रुपए 30 रुपए मान लो 100 रुपए ठीक है, 100 रुपए वीकली। गाइज बहुत सारे चिंदी चोर लोग हैं जो ये सब काम करते हैं, गाइज जो सच है वो मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो एक एक 2-2 रुपए के लिए ऐप डाउनलोड करके रखते हैं, तो आप तो 100 रुपए 200 रुपए मंथली वीकली बांट रहे हो ठीक है, तो आपका ऐप कितना ज्यादा पॉपुलर होने वाला है अगर आप ये बिजनेस को यूज करते हो। तो तीसरा, आप जो डील्स एंड ऑफर दे रहे हो, तो यहाँ आप अपने एफिलिएट लिंक्स को प्रमोट कर रहे हो। अगर बंदा सामान खरीदता भी है तो 10 रुपए का सामान खरीदता है तो 2 रुपए आपका फायदा है, मतलब आप जो यहाँ से कमा रहे हो, यहाँ से जो कमा रहे हो वही यहाँ दे रहे हो ठीक है, और उसमें से भी आपका 50-60% बचने वाला है ठीक है, रेयर लेके चलो तो 50% उसमें भी आपका बचने ही वाला है। तो यही पैसा इनका पैसा ही इनको दे रहे हो, और यही आप इनके ऐड से जितने भी आपने ऐड लगाया है इनसे ही आप पैसे अर्न भी कर रहे हो। तो दिस इज कॉल्ड गाइज बिजनेस मॉडल, दिस इज कॉल्ड ऐप बिजनेस मॉडल। इतना थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, तब ये सब बिजनेस जाके निकल के आता है। तो माई फ्रेंड्स प्लीज जेन्युइन वे को पकड़ो, दिमाग लगाओ और अर्निंग करना स्टार्ट करो। कोई भी आपकी हेल्प करने नहीं आने वाला इस तरह जितनी मैं चीजें आपको बता रहा हूं। तो प्लीज गाइज प्लीज थोड़ा सा ध्यान दो और काम स्टार्ट करो। इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक देना, नीचे एक कमेंट जरूर करना मेरे दोस्तों, थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलता है। और इस वीडियो को तो प्लीज शेयर करना ऐप वाली ग्रुप्स में, डील्स वाली ग्रुप में और अपने व्हाट्सएप फ्रेंड्स के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।